दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। यदि आपके बवासीर में खून निकल रहा है या किसी महिला को पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन सी दवा है जो ब्लीडिंग को रोक सकती है और उस दवा को कैसे लेना चाहिए, और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से वो मरीज है जो इस दवा का सेवन नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम जानेंगे दवा ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट के बारे में। यह एक एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो बॉडी में होने वाले किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है। सबसे पहले ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट के यूज को विस्तार में जानते हैं और उसके बाद में इसकी ब्रांड्स, डोज और सावधानियां आदि के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात की थी, इसका प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यदि कोई महिला है जिसका मासिक धर्म, पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून का प्रवाह ज्यादा हो रहा है, तो उस खून के प्रवाह को रोकने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी का एक्सीडेंट होने के कारण या गहरी चोट लगने के कारण ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा हो, तो उसे रोकने के लिए भी ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई ऑपरेशन के दौरान या डिलीवरी के समय, मतलब बच्चे को जन्म देते समय एक्सेसिव जो ब्लीडिंग हो जाती है, अत्यधिक रक्त प्रवाह होता है, उसको रोकने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। किसी मरीज को अगर पाइल से बावासीर की शिकायतें, मस्सा है, तो उसमें भी कई बार खून निकलता है, उस खून निकलने को रोकने के लिए भी ट्रेनेक्समिक एसिड जो टेबलेट है उसको दिया जाता है। साथ ही कई बार दांत निकालते हैं पेशेंट के, तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। कई बार गर्मियों में नोज ब्लीड्स होता है, जब मतलब नाक में से खून बहना, ये बड़े और छोटे दोनों में होता है, उसको रोकने के लिए भी ये दवा बहुत ही उपयोगी है। और हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब ये वो पेशेंट जिसके इंटरनल ब्लीडिंग कभी भी शुरू हो सकती है, उन पेशेंट की जो ब्लीडिंग्स है उसको रोकने के लिए भी ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट का प्रयोग किया जाते हैं। दोस्तों, इन शॉर्ट में अगर बात करें तो किसी भी कारण से अगर आपकी बॉडी से खून निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ट्रेनेक्समिक एसिड की जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे आप फेमिलियर हैं, जिनसे आप इस दवा को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। टेक्साकाइंड जो टेबलेट है ये ब्रांड नेम है, क्लिप जो FDC कंपनी की आती है, ट्रापिक और पोज, ये सभी ब्रांड नेम्स है। और इसके अलावा भी खूब सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है इसकी। ये टेबलेट और इंजेक्शन दो फॉर्म में आता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ऑरल प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम, तीन स्ट्रेंथ आती है मार्केट में अवेलेबल है टेबलेट की। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज की, इसकी डोज क्या रहनी चाहिए, इसको कैसे लें। जनरली जो अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके अनुसार डॉक्टर अलग अलग प्रिस्क्राइब करते हैं जो ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट है। लेकिन अभी मैं यहाँ बात करूँगा पाइल्स और पीरियड के दौरान जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसमें आप अगर इस दवा को लें तो उसका सेवन कैसा किया जाता है। जनरली दिन में 2 से 3 बार इस दवा को लिया जाता है 500 मिलीग्राम की टेबलेट को, और ये 3 दिन या 5 दिन तक लिया जा सकता है जब तक आपकी ब्लीडिंग रुके नहीं, कम नहीं हो, या इसके अलावा जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे वैसे आपको दी जा सकती है। और इस टेबलेट का सेवन उस समय आप बंद कर दें जब आपको ब्लीडिंग की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। और बच्चों में दोस्तों इस टेबलेट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन कुछ कंडीशन हो तो डॉक्टर की सलाह बगैर आप किसी भी टेबलेट का प्रयोग बच्चों में नहीं करें, बच्चों को खुद से दवा नहीं देवे। दोस्तों, जैसे हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है। जैसे आपको उल्टी शुरू हो जाएगी, आपको मतली सी लगने लगेगी, नोजिया वोमिटिंग, और उसके साथ दस्त, डायरिया होगा, घबराहट सी हो सकती, डिजीनेस हो सकता है। ये या इनके अलावा और भी जो कुछ अनवांटेड इफेक्ट है इस टेबलेट के, आपको अगर मिले तो आप अपने डॉक्टर से मिले और इस गोली का सेवन तुरंत बंद कर दें। और प्रिकॉशंस की बात करते हैं ट्रेनेक्समिक एसिड टेबलेट की, क्या क्या आपको सावधानी रखनी होती है, क्या वार्निंग्स है इसके बारे में, और किन पेशेंट को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जो इस ट्रेनेक्समिक एसिड या एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ग्रुप की कोई भी मेडिसिन से एलर्जिक है, तो उसे इस
दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, और आपकी ESR जो काउंटिंग है वो डिस्टर्ब है तो इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ ही करंटली आपके कोई ब्लड क्लोट हो गया है बॉडी में तो उस पेशेंट को ये दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इन कंडीशंस को आपको अपने डॉक्टर्स को अवगत कराना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो सर्कमटेंसेस है उसको देख के दवा प्रिस्क्राइब करें। साथ ही हर दवा का कुछ इंटरेक्शन होता है दूसरी दवाओं के साथ, तो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते समय अपनी जो पुरानी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, ये ट्रेनेक्सिमिक एसिड खून को रोकने के लिए जो बाहरी प्रयोग बहता है, बाहर आता है, या इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है, इन दोनों को रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आप थे अपने दोस्त मोहित दादिज के साथ और देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।